नेता बड़े विधायक बड़े सांसद करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। दरअसल ये कहना चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में शराब नीति के नाम पर आबकारी नीति के खिलाफ पर गड़बड़ चला हुआ है। बीजेपी ने 19 मेट्रो स्टेशन का घेराव किया है और आज दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन है। दिल्ली में शराब नीति पर आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ये विशाल प्रदर्शन है। अब से थोड़ी देर के बाद में ये प्रदर्शन शुरू होने वाला है। हालांकि आज ये देखें आप, मैं 10 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। कश्मीरी गेट, वसंत विहार, हौस खास, पटेल चौक, बदरपुर, गोविंदपुरी, आनंद विहार, लक्ष्मी नगर, नेहरू प्लेस, अक्षरधाम, ये वो मेट्रो स्टेशन है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन की तैयारी की है। बैठ करके धरना देंगे और ये बताएंगे पूरे हिंदुस्तान को कि कैसे घोटाला किया गया है शराब नीति के नाम पर। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद लौट करके आएंगे तो खबरों का ये सुपर डोज। और हाँ, फिर से हम लौटेंगे उस खबर पर जहाँ देश के 100 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेट चल रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सीबीआई की रेट भी है। एक छोटा दिल्ली के 19 मेट्रो स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। 19 मेट्रो स्टेशन, अगर आप मेट्रो से जाने वाले हैं तो आप सावधान हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी धरना देने वाली है, प्रदर्शन करने वाली है आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उनकी नीतियों के खिलाफ, और ये बताने की कोशिश में कि शराब नीति के नाम पर घोटाला हुआ है। बीजेपी ने 19 मेट्रो स्टेशन का घेराव कर दिया है। नवीन निशान के पास में सीधे चलते हैं। नवीन निशान, आप किस मेट्रो स्टेशन पर हैं? भारतीय जनता पार्टी के कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं? क्या मनोज तिवारी आपके साथ में हैं? नवीन निशान, तब तक आवाज आ रही है क्या? देखिए, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद है और मनोज तिवारी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे बिल्कुल राशिद, आपके आवाज आ रही है। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पे इस वक्त मौजूद हैं और मनोज तिवारी यहाँ पे पहुंचे हैं। आदेश गुप्ता और जयंत पांडा को भी यहाँ पे पहुंचना था लेकिन वो किसी मीटिंग में शामिल होने गए हैं, जिसके बाद अभी के समय मनोज तिवारी लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और अभी के समय आपको लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन का हाल दिखाते हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज तिवारी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार एक्साइज पॉलिसी को लेकर अभी के समय वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोज तिवारी सबके साथ हैं। मनोज जी, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मनोज जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लाइव पे, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम हमने अपनी सारी बातें कह दी हैं और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपने वीडियो भी एक जारी किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? तो अभी के समय मनोज तिवारी जो है वो मेट्रो स्टेशन के ऊपर जाना चाहते हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन से। मनोज तिवारी आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ वो यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अभी के समय दिल्ली, चलिए ठीक है नवीन निशान, हम आपके पास में आते हैं। ये 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, कश्मीरी गेट, वसंत विहार, हौस खास, पटेल चौक, बदरपुर, गोविंदपुरी, आनंद विहार, लक्ष्मी नगर, नेहरू प्लेस, अक्षरधाम, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी धरना दे रही है। और सबसे ज्यादा एक्शन जहां पर नजर आ रहा था, नवीन निशान वहां से लाइव है। और मनोज तिवारी का ये कहना था कि हमें जो बातें कहनी है हमने अपनी बातें कह दी है, लेकिन दिल्ली के अलावा जो बिहार की बड़ी खबर है उस पर भी हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है। और बिहार की बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार तो हैं दिल्ली में लेकिन बिहार में अपराध बढ़ गया है। सुशासन बाबू से एक ये सवाल है कि आप तो यहां पर मीटिंग कर रहे हैं लेकिन आपके राज्य में अपराधी सेटिंग करने में लगे हैं। नवीन निशान के पास में चलते हैं, इससे पहले कि बिहार की खबर हम दिखाएं नवीन निशान के पास में चलते हैं। नवीन, फिर से आपके हवाले करता हूं मैं, बताइए भी, दिखाइए भी बीजेपी के कितने नेता हैं जो अभी जुटे हुए हैं मेट्रो स्टेशन के आसपास, कितनी भीड़ है, किस तरह से धरना दिया जा रहा है। नवीन, देखिए बिल्कुल राशिद, बता दें कि लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो ऊपर जाना चाहते हैं। अभी कार्यकर्ताओं की जो सीआईएसएफ होती है, जो आमतौर पर मेट्रो की सुरक्षा करती है, उनसे बात हो रही है क्योंकि जो आम बीजेपी के कार्यकर्ता है वो ऊपर जाना चाहते थे। तमाम जो सीआईएसएफ के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी नीचे आ चुके हैं गेट नंबर 2 के पास। और यहाँ अभी के समय मनोज तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है सरकार को लेकर और लगातार ये अपील की जा रही है कि मनीष सिसोदिया अपने पद से इस्तीफा दे। तो अभी के समय लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 पूरी तरह से जाम हो चुका है। तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो देखिए कैसे शराब घोटाले को लेकर जितने बैनर हैं, जितने पोस्टर हैं, जितने लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई, इन सभी से बातचीत करते रहिए ना। जो जो कुछ भी लिखा हुआ है शराब घोटाले पर इन लोगों ने बड़े बड़े नारे गढ़े हैं, ये भी दिखाइए कैमरा जहां तक भी मूव कर सके। नवीन निशान, यू शुड मूव, भीड़ के अंदर जाइए नवीन।
बिल्कुल आप बता दें कि देखिए लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो टी शर्ट है उस पर पहने हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिवा। आप लोग टी शर्ट पहन के आप प्रेजेंट कर रहे हैं शराब घोटाले पे जन जागरण, क्या कुछ करना चाह रहे हैं भैया? क्या कुछ आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप लोग? आप निश्चित के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ, हम जी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को अपने बर्खास्त करें जिन्होंने शराब घोटाला किया है, शराब की दलाली की है। हमारा सख्त, हम युवा, दिल्ली के युवा सड़कों पर खड़े हैं, सिर्फ इसलिए खड़े हैं जिससे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से निकाले और तुरंत बर्खास्त करें। ऊपर जाना चाहते हैं मेट्रो पे? हम लोग मेट्रो पे जाएंगे और मेट्रो में हम कुछ नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है, कुछ नहीं करेंगे हम। हम सांकेतिक एक हमारे ये पैम्पलेट है जिसमें लिखा है गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। हम ये सिर्फ जाके लोगों को बांटेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने शराब के पैसे खाए। बिल्कुल, तो दिखा दें अभी के समय जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है उसकी आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि कैसे जो तमाम सीएसएफ के ऑफिशियल्स हैं वो अभी के समय मौजूद हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो मेट्रो के ऊपर जाना चाहते हैं, वहाँ पे वो लोगों को पैम्फलेट बांटना चाहते हैं, लोगों से संपर्क करना चाहते हैं। तो अभी के समय जो पुलिस फोर्स है वो है, क्योंकि मेट्रो में किसी प्रकार के प्रदर्शन की तो आमतौर पर अनुमति नहीं होती है। ऐसे में मनोज तिवारी पहुंच गए हैं वहाँ पे, वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा देंगे, देखिए कैसे मनोज तिवारी यहाँ पे मौजूद है, लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो अभी के समय यहाँ पे मौजूद हैं। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है, सुबह से ही यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वो जुटने शुरू हो गए थे। जी राशिद। नवीन निशांत, आपके पास दोबारा लौट करके आता हूँ। दिल्ली की ही एक चुकी बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच में संग्राम है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षा को लेकर, स्कूल को लेकर के एक चिट्ठी लिख दी है। ये हमारे लिए बड़ी खबर है और चिट्ठी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं, केंद्र सरकार की 14,500 स्कूल अपग्रेड करने की योजना पर मैं चिट्ठी लिखता हूँ। देश में 1,000,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, ऐसे तो सभी स्कूलों को ठीक करने में 100 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। मेरा आपसे ये आग्रह है कि 14,500 नहीं बल्कि 1,000,000 सरकारी स्कूल ठीक करने की योजना बनाएं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई का ये नेक्स्ट चैप्टर है। इंडिया न्यूज पर मनोज तिवारी लाइव है, इंडिया न्यूज पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी लाइव। और जो खजाने की लूट हुई है उसको अकाउंट में कब तक जमा करेंगे? अब तो स्टिंग भी आ चुका है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल को स्वयं जवाब देना चाहिए। वो तो अभी दिल्ली छोड़ करके हिसार चले गए, हिसार गए हो तो शराब घोटाले का वहाँ भी किसी मीडिया को बता दो कि इसके ऊपर भ्रष्टाचारी पर क्या एक्शन होना चाहिए। आप वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कहते थे कि एक भी वीडियो दो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज वीडियो आया है और उसके बाद भी शराब घोटाले का जवाब नहीं दे। अरे कुछ तो जवाब दो। पंजाब में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो आज सारे सरकारी अधिकारियों को, उसी का जवाब दे दो। SYL से पानी कैसे छूटेगा उसी का जवाब दे दो। तो ये रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार न ये शराब घोटाले पे जवाब दे पा रही है और न तो अपने जहां शासन कर रहे हैं वहां का तनख्वाह कैसे मिलेगा, SYL का पानी कैसे मिलेगा, सब पे चुप्पी है। तो ये अपराधी चुप हो सकते हैं, जनता चुप नहीं होगी। कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, इसलिए हमें काम किया जा रहा है। अब बताओ, स्टिंग आ गया है। आरोपी नंबर 13 के पिता का वो कह रहा है कि ये अपना कमीशन इसलिए बढ़ाए कि इनको कमीशन चाहिए। उसके बाद भी यही विकास है, यही अच्छा काम है। अगर इसको अरविंद केजरीवाल अच्छा काम मानते हैं तो याद रखिए, अपराधी कितना भी सयाना क्यों न हो उसको कानून उसके तक पहुंचेगा, जनता सड़कों पे। को सुन रहे थे आप, मनोज तिवारी का ये कहना है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो एजेंसीज उन पर शिकंजा कसेंगी ही कसेंगी। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर मनोज तिवारी पहुंचे हैं। जिस लेटर की मैं बात कर रहा था, टीम PCR प्लीज इसे ब्रेक कीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, केंद्र की 14,500 स्कूल अपग्रेड करने की योजना पर चिट्ठी लिखी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना, प्लीज टीम PCR जो लेटर की ब्रेकिंग है वो आप ब्रेक करें, प्लीज ब्रेक कीजिए। जहां पर केजरीवाल ये कहते हैं, मेरा आपसे आग्रह है 14,500 नहीं सभी 1,000,000 सरकारी स्कूल ठीक करने की आप योजना बनाएं, 5 साल में योजना का इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इस वक्त की ब्रेकिंग, स्कूलों को एक साथ अपग्रेड करने की मांग की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, नई योजना को लेकर के चिट्ठी लिखी है। मेरे साथ में नवीन निशांत है। नवीन निशांत, अभी लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर क्या चल रहा है, दाएं बाएं हर जगह जाकर के बताइए भी और दिखाइए भी। नवीन निशांत,
चलिए नवीन निशांत साथ में नहीं है, बीच में एक बार हम बिहार की खबर पर भी चलते हैं, एक बार बिहार की खबर पर भी चलते हैं हम नवीन निशांत के पास में जाते ही नवीन